बिन कहानी अधूरा, इसका संगम कथा सरिता। हंसती रुलाती मन को भाती, अमृत सा घुल जाती कथा सरिता। नमस्ते दोस्तों, आइए सुनते हैं एक कहानी। एक समय की बात है जब देखा कहानी का नाम सुनते ही आप सभी के चेहरे गुलाब के फूलों के तरह खिल उठे हैं, है ना? अरे भाई, कहानियां होती ही ऐसी है। कहानियां हम सभी के मन को बहलाती है, कहानियां मन की बात कहलाती है, कहानियां बहुत कुछ दिखाती है, कहानियां बहुत कुछ सिखाती है। तो आइए आज के हमारे कथा सरिता के एपिसोड में सुनते हैं एक कहानी। नमस्ते, मेरा नाम इशिता तोशनीवाल है और आज आपको मैं पंचतंत्र की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का नाम है जब शेरजी उठा। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, द्रोण नगरी में चार मित्र रहा करते थे। उन चारों में से तीन ब्राह्मण अपनी कई तरह की विद्याओं में निपुण थे, जबकि चौथे के पास किसी तरह की विद्या नहीं, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। चौथा मित्र हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हर समस्या से बचने का रास्ता निकाल लेता था, जबकि अन्य मित्र विद्यावान होते हुए भी समझदारी से काम नहीं लेते थे। एक दिन उन चारों मित्रों ने मिलकर सोचा कि पैसा कमाने के लिए विदेश जाना चाहिए, वहां जाकर ही विद्या का लाभ मिलेगा और पैसे कमाने का रास्ता भी। इसी सोच के चलते चारों विदेश यात्रा पर चल दिए। यात्रा के दौरान एक मित्र ने कहा कि हम में से सिर्फ एक मित्र के पास विद्या नहीं है, ऐसे मित्र को हमारे विद्या के कारण मिलने वाला धन नहीं मिलना चाहिए, वह घर वापस जा सकता है। इस पर काफी देर चर्चा करने के बाद दूसरा मित्र इस बात से सहमत हो गया, लेकिन तीसरे मित्र ने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, हम सभी बचपन से दोस्त हैं और अब यह निर्णय लेना अनुचित होगा। हम जो कुछ भी कमाएंगे उसे चार हिस्सों में बांट देंगे। इस बात पर सबने हामी भरी और सभी विद्या का चमत्कार लोगों को दिखाने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगे। यात्रा के दौरान जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक मरा हुआ शेर दिखा। सभी मित्रों ने कहा कि हम अपनी विद्या के चमत्कार से इस शेर को जिंदा कर देंगे, इससे हमें बहुत यश और कीर्ति मिलेगी। तीनों मित्र उसे जिंदा करने में लग गए, लेकिन चौथे मित्र ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उसने कहा कि अगर तुम लोग इस शेर को जीवित कर दोगे तो वह जीवित होते ही हम सबको खा जाएगा। चौथे मित्र ने बहुत समझाया, लेकिन तीनों मित्र नहीं माने। उनमें से एक शेर की अस्थियां को समेटने लगा तो दूसरा उसके अंगों और तीसरा उसके शरीर में प्राण डालने की कोशिश करता रहा। यह सब देख चौथा मित्र डर गया। उसने अपने बाकी मित्रों से कहा, ठीक है, तुम लोग अपने मन की करो, लेकिन मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। इतना कहकर चौथा मित्र झट से पेड़ पर चढ़ गया, वहीं अन्य मित्र उस शेर को जीवित करने में लग गए। देखते ही देखते शेर जीवित हो जाता है। शेर जैसे ही जीवित हुआ उसने अपने आसपास तीनों मित्रों को देखते ही मार डाला, जबकि पेड़ पर चढ़ा चौथा मित्र अपनी समझदारी से बच गया। कहानी से सीख। शेरजी उठा कहानी हमें यह सीख देती है कि विद्या के नशे में चूर होकर हमें किसी काम को नहीं करना चाहिए। हर काम को करते हुए उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम के बारे में सोचना जरूरी है। केवल विद्या में निपुणता ही नहीं बल्कि बुद्धि का होना भी आवश्यक होता है। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलते हैं कथा सरिता के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।